सब्सक्राइब कीजिए हसी सक्सेना चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम यूज़ कर कर कैसे कोई पेंटिंग बना सकते हो कि आसानी से। तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आप दिखाता हूँ अपने। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं मेरे फ़ोन स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन किया है आपको दिखाने के लिए। अब आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी आइकन पर क्लिक करिए, कैमरा जहाँ बना हुआ है। अब फिर वहाँ पर जाकर आप क्रिएट पे क्लिक कर कर क्रिएट जो बना हुआ है आइकन उस पर क्लिक कर कर अब वहाँ पर कॉर्नर में कलर्स दिखा रखे हैं। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो। अब अपनी मर्ज़ी का, मेरे को ये ऑरेंज अच्छा लग रहा है तो मैं ऑरेंज चूज़ कर रहा हूँ। अब फिर ऑरेंज चूज़ करके मैं नेक्स्ट करके ऊपर जो राइट क्लिक में राइट में उस पर नेक्स्ट कर दूंगा। और अब देखिए मैं आ गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज दिखा रखे हैं ऊपर। अब आप कोई मैं ब्रश यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारे यूज़ कर कर एक बार। ये मैं यूज़ कर कर डिलीट कर दे रहा हूँ सारे ताकि बैग कुछ ख़राब ना हो। ये देखिए ये ब्रश ब्राइटनेस वाला है, ये ब्रश कुछ ऐसी है। और एक और है एंड में ब्रश है, वो चौक चौक जैसा है कुछ। वो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, जो एकदम ब्लैक बोर्ड वाला फील देता है वो। ये देखिए चौक चौक जैसा लग रहा है बिल्कुल। तो अब मैंने यूज़ कर दिया। कोने में आपको दिख रहा है कोने में वर्टिकल, उसमें उससे आप ब्रश का साइज़ बोर्ड साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो ये मैंने फुल फुल इंक्रीज़ कर दिया। मैंने ब्लैक कलर चूज़ कर लिया, फर्स्ट फर्स्ट वाला ब्रश चूज़ कर लिया। मैं सीनरी बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं सारा सब पूरे का पूरा ब्लैक कर दूँगा ताकि देखने में अच्छा लगे। ब्लैक कर दिया मैंने पूरा इसको। अब मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर कर आपको ट्री बना के दिखाऊंगा वहीं साइड में राइट साइड पर। मैं ट्री बना रहा हूँ। ट्री पे भी अंदर पूरा ब्लैक कर दूंगा ताकि ऐसा लगे जैसे शेडो है पीछे। मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। अब इसको थोड़ा मैं और एंगल इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। मैं ब्रश का साइज छोटा करके बर्ड्स बना रहा हूँ ऊपर तीन चार। अब बर्ड्स बनाकर मैं आपको कुछ ऐसी एक बेंच बना के दिखा दूंगा। उसके बाद फिर मैं उसको इरेज कर दिखा दूंगा ताकि आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो उसको आप आसानी से इरेज कर सको। तो मैं ब्रश साइज छोटा कर हो रखा है हमारा पहले से ही। अब मैं उसके ऊपर को बेंच दिखा रहा हूँ ट्री के पास बनाकर। तो ये ब्रश ट्री बना रहा हूँ मैं, वो ट्री के पास बेंच बना रहा हूँ। इसको इरेज करके दिखा दूँगा आपको। इरेज आप जो ऊपर राइट लेफ्ट साइड में कोने में बैक का ऑप्शन दिखा रहा है उससे आप इरेज कर सकते हो। तो अभी बना के दिखा रहा हूँ, फिर आपको इरेज कर दिखा दूँगा। तो हमारे वो बन गया है। अब मैं इसको इरेज करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो मैं देखो मैं इरेज कर रहा हूँ बैक बैक कुछ कुछ सीन जो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ वही इरेज हो रहा है। तो इससे आप इरेज कर सकते हो। तो ये मैंने इरेज कर दिया सारा। अब मैं आपको ऐसे ही 2% बना के दिखा दूँगा फादर सन की तरह। तो ये 2% बना रहा हूँ मैं दोस्तों। अगर आपको भी पर्सन आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये मैंने बना दिया है। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू
कोई भी बढ़िया सीनरी उसको स्टूडेंट जी बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने इंस्टाग्राम को, इसको आप कैसे बढ़िया पेंटिंग बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा देना।